सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। तो ये है 2022 ब्रेजा हमारे सामने, तो ये है बेस मॉडल इस गाड़ी का। ये है इस गाड़ी की की मेरे हाथ में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंट्रल लुकिंग आपको बेस मॉडल में भी देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। तो ये है इस गाड़ी की चाबी सेंट्रल लुकिंग के साथ। बेस मॉडल में भी सेंट्रल लुकिंग और LED टर्न इंडिकेटर आपको ORVM के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलेगा। तो काफ़ी ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और काफ़ी ही बढ़िया लाइटिंग सेटअप मारुति ने यहाँ पे प्रोवाइड करा है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से इस गाड़ी की। फ्रंट की कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बेस मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा बेस मॉडल में भी, जिसमें लो बीम और हाई बीम आपको प्रोजेक्टर के अंदर ही देखने को मिलेगी। हालांकि ये येलो कलर की है। नीचे आपको फोग लैम्प की हाउसिंग तो मिलेगी, पर फोग लैम्प नहीं मिलेगा इसके अंदर। पूरा ब्लैक कलर की क्लैडिंग के साथ बड़ा ही सुंदर बम्पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी क्रोम फिनिश आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर एक ग्लोसी फिनिश आपको देखने को मिलेगी जो काफ़ी प्यारी लग रही है ग्रिल के अंदर। और यहाँ पे ये मूछों जैसा डिज़ाइन दिया है क्रोम का, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। काफ़ी मस्कुलर लग रही है गाड़ी, काफ़ी वाइल्ड लग रही है पहले से। तो आइए मैं इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आपको दिखा दूँ कि कैसा है। ओह माय गॉड, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे इस बार मारुति ने प्रोवाइड करी है। काफ़ी हैवी है ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कारपेटिंग दी हुई है, मतलब पूरी इंसुलेशन प्रोवाइड करी है। वाइपर काफ़ी बढ़िया दिए हुए हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर है। ऑटो हेडलैम्प आपको इस वेरियंट में देखने को नहीं मिलेंगे। इंजन है विदाउट एनी कवर, यहाँ पर कोई भी कवर नहीं प्रोवाइड करा गया इंजन के लिए। और कुछ ऐसा व्यू इस गाड़ी का देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल है जो पहले से काफ़ी बढ़िया कर दिया मारुति ने यहाँ पे। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, इसलिए क्योंकि फ्रंट का विंडो अलग, ये विंडो अलग, और ये जो आखिरी विंडो है ये भी काफ़ी बड़ी विंडो प्रोवाइड करी है यहाँ पे। तो फील होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी है। बेस मॉडल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये है ब्रेजा, और काफ़ी वाइड लग रही है, मतलब रेंज रोवर जैसा डिज़ाइन मुझे देखने को लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। अब अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल में भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, शार्पन एंटीना मिलेगा, और बढ़िया सी LED टेल लाइट मिलेगी जो मैं अभी आपको जला के दिखाने वाला हूँ। पीछे की तरफ आपको बढ़िया सा स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा जो स्पोर्टी फीलिंग को इंक्रीज कर रहा है इस कार की। तो प्रॉपर SUV वाली फील आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कोई भी रियर वाइपर, वॉशर या डिफोगर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। पर लुक की बात करूँ तो लुक में काफ़ी प्यारी लग रही है गाड़ी। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको MRF के टायर देखने को मिलेंगे, जिसका साइज़ है 215/60R16, और यहाँ पे व्हील कैप भी आपको साथ मिलेगा। जस्ट अभी ट्रक में से अनलोड हुई है गाड़ी, तो ये व्हील कैप का डब्बा पड़ा हुआ है, इसके अंदर व्हील कैप है गाड़ी के। व्हील कैप भी मैं दिखा दूँगा कि कैसे दिखते हैं इस गाड़ी के। ये है इस गाड़ी का व्हील कवर का डिज़ाइन, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि व्हील कवर भी इस गाड़ी में प्रोवाइड करे हैं मारुति ने। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है, 16 इंच के मोटे टायर प्रोवाइड करें, 215 डायमीटर के, मतलब 215 विड्थ के। वहीं पे अगर मैं टेल गेट की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेल गेट ओपनर आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी आपको। बूट के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको। तो कुछ इस तरह का इस गाड़ी का व्यू है। टायर आपको प्रॉपर सेम साइज़ का मिलेगा, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है यहाँ पे। जो टायर गाड़ी में लगे हुए हैं वही सेम टायर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे साइड में भी स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। और मज़े की बात, आधी लाइट आपकी यहाँ पे है टेल लाइट, और आधी लाइट आपकी बूट के ऊपर है। ये होती है यार असली प्रीमियम फील। मतलब कंपनियाँ क्या करती हैं कि हमें यहाँ पे लाइट ना देनी पड़े तो सारी लाइट यहाँ दे देती हैं, जैसे XL6 भी आती है, या आप यही गाड़ी देख लीजिए, पूरी लाइट आपकी बॉडी के ऊपर है। टेल गेट को काट दिया, यहाँ पे टेल गेट को ऐसे काटा नहीं है, टेल गेट के ऊपर ही लाइट दे दी। तो काफ़ी बढ़िया बात है यार। और ब्रेजा की ब्रांडिंग, मतलब पीछे से काफ़ी बढ़िया लुक लग रही है। हालांकि कोई भी रियर कैमरा वगैरह नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 रियर पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जो कि इस कार को और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। और उसका डिस्प्ले आपको 100 मीटर में देखने को मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने रियर गियर डाला रिवर्स गियर, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में पूरा डिस्प्ले देखने को मिलेगा अंदर से। एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच के साथ बड़ा ही अच्छा फुट रेस्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी वाइड एरिया है, तो काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है।
यहाँ से आप अपना बोनेट खोल सकते हैं और फ्यूल लिड ओपन हो सकती है। डिक्की आपको यहाँ से खोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिक्की में आपको मैग्नेटिक सेंसर प्रोवाइड करा है। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ABS, CVT और डुअल एयरबैग आपको इस कार में एज स्टैंडर्ड मिलेंगे बेस मॉडल से। फ्रंट ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, साइज़ भी ओके है, पर यहाँ पे कोई भी कोल्ड ग्लव बॉक्स का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई मतलब किसी भी तरह की लाइट भी नहीं मिलेगी और कोल्ड ग्लव बॉक्स का फीचर भी देखने को नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। कोई भी स्टीरियो नहीं मिलेगा, कोई भी स्पीकर नहीं मिलेगा। हालांकि स्पीकर और ट्विटर लगाने के लिए आपको चारों डोर्स के अंदर जगह देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। सनवाइजर की बात करूँ तो कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई वैनिटी लाइट है यहाँ पे। इस मिरर की बात करूँ तो ये ऑटो डिमिंग नहीं है, पर मैनुअल आप इसको डे नाइट वाला IRVM आपको देखने को मिलेगा मैनुअल वाला। ड्राइवर साइड के सनवाइजर में भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर मैं कैबिन लाइट की बात करूँ तो कोई भी कैबिन लाइट नहीं है इस गाड़ी में, सिर्फ सेंटर में एक कैबिन लाइट मिलती है, वही जो मारुति में काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से आ रही है सिंगल लाइट सेंटर में। वहीं पर टू मॉडल में तो आपको पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, वो अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। AC की बात करूं तो मैनुअल AC आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कप होल्डर मिलेगा, सामान रखने की जगह मिलेगी और ये आपकी होगी 5-speed की मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की जगह मिलेगी, यहाँ 12V का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। इस तरफ की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, लाइक यहाँ पे आपको ऑटो पावर डाउन जो ड्राइवर साइड की मिलेगी, यहाँ पे ऑटो अप डाउन के साथ आपको देखने को मिलेगी एंटी पिंच के फीचर के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन, ये आपके पावर विंडो को लॉक करने के बटन, और अच्छी बात ये कि आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों RVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। हालांकि आप इन्हें फोल्ड नहीं कर सकते, पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो काफ़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सिंगल कलर में। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये देख लीजिए आप, ये एवरेज रेंज किलोमीटर पर लीटर जो आपके माइलेज है सब कुछ आपको दिखाएगा ये। तो ये था गाड़ी का कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड जो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। यहाँ पे जो ड्राइवर साइड की जो सीट है आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलेगी। इस साइड आपको अच्छे खासे 1 लीटर की बोतल रखने की जगह मिलेगी और उसके साथ भी काफ़ी जगह खाली रह जाएगी। जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो है इसका ग्रैब हैंडल जो काफ़ी प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है बेस मॉडल के अंदर भी। कोई भी फैब्रिक फिनिश या लेदर फिनिश नहीं है यहाँ पे, पर ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। डोर का जो थर्ड है वो भी काफ़ी प्यारा लगा। और वहीं पे अगर मैं फ्रंट की सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ तो सेम वैसे ही ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी प्यारा पावर विंडो का बटन मिलेगा, यहाँ पे बोतल रखने की जगह, यहाँ पे स्पीकर की हाउसिंग, हालांकि इसके अंदर कोई भी स्पीकर नहीं है। ये इसका हो गया सिंपल सा डोर हैंडल प्लास्टिक फिनिश में, और अंदर बैठना काफ़ी इजी है इस गाड़ी में। एज यू कैन सी कि पीछे कोई हेडरेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। हालांकि हेडरेस्ट या आर्मरेस्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड वहीं पर अगर मैं इसे बंद करूँ तो अच्छा खासा विंडो एरिया आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर जो पीछे वाली रियर विंडो है जो काफ़ी बड़ी यहाँ पर प्रोवाइड करी है मारुति ने, ये भी काफ़ी बढ़िया एरिनेस का व्यू दे रही है अंदर। यहाँ पे एक ऑलरेडी मैं कैबिन लाइट आपको दिखा चुका हूँ, ग्रैब हैंडल ये फोल्डेबल वाले हैं, यहाँ पे हुक देखने को मिलेगा आपको, सेम फॉर दिस साइड ऑल्सो। लेगरूम बहुत प्यारा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी यार फिनोमिनल है इस गाड़ी के, मतलब मेरी हाइट 6 feet है और उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे लेगरूम आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे फुटवेल एरिया की बात करूँ तो यहाँ से पूरा प्लेन एरिया होने की वजह से सीट काफ़ी ऊँची है, जिसकी वजह से मैं अंदर भी पैरों को आगे कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रियर AC वेंट भी देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है कि बेस मॉडल में रियर AC वेंट मारुति ने यहाँ पे प्रोवाइड करे, और इंडिया में तो यार इनकी ज़रूरत भी है। आर्मरेस्ट हालांकि ना आपको यहाँ पे मिलेगा ना ही आपको फ्रंट पे मिलेगा। अगर मैं सीटों की बात करूँ तो यहाँ पे फैब्रिक फिनिश में आपको सीटें मिलेंगी, और ये जो रियर सीट है ये 60:40 स्प्लिट में नहीं है, मतलब ये पूरी की पूरी सीट ही फ्लैट फोल्ड होती है बेंच, और ये फोल्ड हो सकती है अगर आपको बूट की जगह बढ़ानी है। इसके अलावा ये था इस गाड़ी का लेगरूम, अगर 6 feet का बंदा आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये हो गया इस गाड़ी का मैक्सिमम लेगरूम, कि अगर ये सीट पूरी आगे हो जाए तो आप मज़े से राजा महाराजा वाली फील लेके इस गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हैं। इस तरफ बढ़िया सी जगह है, पर यहाँ पे जैसे कि टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी एम्बिएंट लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी आपको इस मॉडल में। हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट मतलब देखने को नहीं मिलेगी आपको हाइट एडजस्टेबल, और कोई भी स्टीरियो सिस्टम है, कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे।
पर बेसिक सेफ्टी फीचर डुअल एयर बैग, ABS, ABD और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, तो ये सब अच्छी बात है। हालांकि जो बाहर से लुक है गाड़ी की वो आपको बहुत प्यारी देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्रंट में प्रोजेक्टर दिया है लो बीम और हाई बीम दोनों के साथ, तो आप आफ्टर मार्केट जाके उसमें वाइट LED इंस्टॉल करवा लीजिए। पीछे आपको LED टेल लाइट प्रोवाइड करी है, काफ़ी बढ़िया, तो वो सब अच्छी चीज़ें हैं। पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक रियर डिफोगर वगैरह, रियर वाइपर वॉशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। शार्पन एंटीना वगैरह प्रोवाइड कर रही है। LED टर्न इंडिकेटर आपको RVM के ऊपर ही मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। फोग लैम्प भले ही प्रोवाइड नहीं करा, पर फोग लैम्प की जगह यहाँ पे प्रोवाइड करी है मारुति ने। रियर पार्किंग सेंसर प्रोवाइड करें। फ्रंट में दोनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। डोर हैंडल आप देख ही रहे हैं, सेंट्रल लुकिंग प्रोवाइड करी है। LED सेटअप है रियर के लिए और बढ़िया सी ब्रेजा की ब्रांडिंग और ये रेंज रोवर लुक पूरी की पूरी, तो ये आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिल सकती इस प्राइस के ऊपर। इसलिए ये है सबसे वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट SUV इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि निसान और रेनो को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मारुति भी रेस में आ गया और जिस प्राइस पे गाड़ी लॉन्च हुई है उस प्राइस पे कोई भी कंपनी अभी इतनी बढ़िया SUV प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये आपको कॉम्पैक्ट नहीं लगेगी, बॉक्सी नहीं लगेगी देखने में। जैसे वेन्यू या सोनेट काफ़ी छोटी लगती है ना, यहाँ पे ये काफ़ी वाइड आपको काफ़ी लंबी देखने को लगेगी। 4 मीटर के अंदर सब कम्पैक्ट SUV नहीं लगेगी देखने को। एक बार मैं इसका स्टार्टअप भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल शांति है यहाँ पे, तो इंजन की आवाज़ आप देख लीजिए। शुरू में आवाज़ तेज हुई और जैसे ये ठंडा होगा बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है इसका इंजन का स्टार्टअप कुछ। अब मैं बंद कर देता हूँ, शोरूम में अलाउड नहीं होता गाड़ी को स्टार्ट करना। तो गाड़ी की मेरे हाथ में और यहाँ पे मैंने गाड़ी को कर दिया लॉक।